मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक का आगाज हो गया है। 3 साल बाद ये बैठक हो रही है और पार्टी के प्रदेश प्रमुख वीडी शर्मा की टीम की ये पहली बैठक है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार की जमकर तारीफ की। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। जैसा बताया जा रहा है, बैठक में पार्टी आने वाले उपचुनाव और निकाय चुनाव समेत 2023 के चुनाव का रोडमैप भी तैयार करेगी। हमको समझना चाहिए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उन्होंने सबको जोड़ने का प्रयास किया और मध्य प्रदेश भी उसमें पीछे नहीं रहा है, इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से जो आप मध्य प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए काम हुआ है, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और इसमें जो जिन योजनाओं को उन्होंने लागू किया, जो प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई थी उसको लागू करके उस काम को भी आपने किया है। उसी तरीके से आपने ये जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं बेचारे लगभग 50 लाख, इनको भी मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आर्थिक सपोर्ट देने का काम आपने किया। और मध्य प्रदेश ने भारत सरकार की इस कार्यक्रम को शिवराज जी की सरकार ने लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया और हमारे जो ये स्ट्रीट वेंडर्स थे, रेड़ी वाला, ठेला वाला, फेड़ी वाला, इन लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया, जिनकी देश में संख्या 50 लाख है और जो मध्य प्रदेश में थे उनको आपने उसमें जोड़ने का प्रयास किया। ये बहुत ही खुशी की बात है। उसी तरीके से एमएसएमई सेक्टर में आपने लगभग 45,000 लोगों को आपने जोड़ने का प्रयास। पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। खिलावन जी, महामंथन एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी का मध्य प्रदेश में 3 साल के बाद कार्य समिति की बैठक हो रही है, तमाम दिग्गज जुटे हैं। जैसा बताया जा रहा है, जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं का पार्टी को मजबूत करने की बातें होना है, तमाम जो नेता हैं वो अपने विचार रखेंगे, साथ ही आने वाले उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और 2023 के चुनाव की भी भूमिका क्या होने वाली है, पार्टी की किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है, क्या कहेंगे? जी, भाजपा कार्य समिति की बैठक अभी चल रही है और मुझे जहां तक जानकारी मिली है लगभग 7 बजे तक ये चलेगी। लेकिन अभी तक एक तक जो मोटे मोटे तौर पर काम हुए, तो उद्घाटन सत्र हुआ, उद्घाटन सत्र में उद्बोधन हुआ है राष्ट्रीय, लेकिन उसके बाद के सत्रों में 2 प्रस्ताव महत्वपूर्ण पारित किए गए हैं। एक तो प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्ताव है और दूसरा प्रस्ताव जो है भाजपा संगठन और सरकार के द्वारा जो कोविड-19 के दौरान सेवा कार्य किए गए हैं उस पर एक प्रस्ताव, प्रशंसा प्रस्ताव पारित किया गया है। जी, राजनीतिक प्रस्ताव पूरी तरह से दो 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 बातों पर केंद्रित थी। पहला ये कि जो 15 महीने का कार्यकाल था कमलनाथ सरकार की, उसकी जमकर आलोचना की गई और कुछ मुद्दे पे तो निंदा प्रस्ताव, एक दो मुद्दे पे तो निंदा प्रस्ताव भी लाया गया है जी। और साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण बात राजनीतिक प्रस्ताव में दूसरा पहलू ये था कि जो कोविड के दौरान शिवराज सरकार ने जो काम किया है या उस दौरान जो योजनाएं बंद हुई, योजनाओं को शुरू कराने की बात है, किसानों को कुछ राहत पहुंचाने की बात है, माफिया पर कार्रवाई की बात है, इस तरह की बातों का जो उल्लेख आया है उसकी प्रशंसा की गई। इस तरह के दो राजनीतिक प्रस्ताव के दो पहलू सामने आए हैं जी। सरकार की मंशा क्या है या संगठन की मंशा क्या है, ये तो राजनीतिक प्रस्ताव में स्पष्टतः झलक नहीं रही है जी। लेकिन राजनीतिक प्रस्ताव में यह बात सामने आई है कि अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें न तो निकाय चुनाव की बात आई है, नगर जो उपचुनाव, 3 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, 1 लोकसभा के उपचुनाव होने हैं, उस पर कोई बात निकल कर सामने आई है ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है, ऐसा कहीं पता भी नहीं चल पा रहा है। अंदर क्या बात हुई होगी इस संदर्भ में अभी सामने तो नहीं आई है जी। लेकिन मुझे लगता है कि जो दूसरा प्रस्ताव था उनका, जो कोविड-19 के दौरान संगठन का सेवा कार्य जो चला और सरकार ने बेहतर कार्य किया, उस पर भी एक प्रस्ताव लाया गया था और न सिर्फ प्रशंसा की गई इस कार्य की केंद्र सरकार के मुखिया मोदी के द्वारा किए गए प्रयासों की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा की गई है। तो दूसरी इसी में साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन हुआ है, दो दिन आपने देखा होगा 21 को और कल 23 तारीख को जिस तरह से वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित किया गया है उसकी भी चर्चा हुई है। कोविड के दौरान जो कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए गए हैं उस पर भी एक निंदा प्रस्ताव लाया गया है, जिस तरह से उनने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान दिया था इंडियन वेरिएंट कहा था उस पर भी चर्चा हुई है, उस पर एक निंदा प्रस्ताव लाया गया है जी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अभी सत्र बहुत बाकी है और बहुत सारी चर्चाएं उसमें होनी है। तो मुझे लगता है जो शाम तक रात तक जब 7 बजे के बाद जब खिलावन जी शामिल नेता बाहर निकलेंगे तब पता चल पाएगा। खिलावन जी एक सवाल और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जिस तरह से जेपी नड्डा ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और शिवराज सरकार की जमकर तारीफ करी है, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए मुझे लगता है कि ये पहली बार नहीं है, कल भी मोदी जी ने ट्वीट करके शिवराज सरकार की जोरदार तारीफ की थी, न सिर्फ कोविड के दौरान वैक्सीनेशन को लेकर तारीफ की थी बल्कि उन्होंने कहा था कि योजनाओं को लागू करने में जिस तेजी से आगे बढ़ रही है शिवराज की सरकार प्रशंसा के पात्र, इस तरह की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कही थी। तो मुझे लगता है कि आज यदि कार्य समिति की बैठक में इस बात का उल्लेख किया है जेपी नड्डा ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा के, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, संगठन यदि तारीफ करता है यदि किसी सरकार की, तो मुझे लगता है उसने न सिर्फ शिवराज जी की तारीफ की बल्कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बीडी शर्मा के कार्यप्रणाली उनके द्वारा किए गए प्रयासों की भी तारीफ की जी। तो मुझे लगता है कि क्योंकि सरकार उनकी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी के, तो अपने प्रदेश संगठन और प्रदेश सरकार की तारीफ यदि वो कर रहे हैं तो मुझे लगता है कार्य समिति की बैठक जैसे उनका आंतरिक मंच है वो, और उस मंच में तारीफ कर रहे हैं तो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं निकल के सामने आती। लेकिन हाँ जी, एक बात ये है कि जो तरह तरह के कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे, जो नेतृत्व परिवर्तन तक की बात मध्य प्रदेश में हो रही थी, ये दोनों इस कार्य समिति के दौरान और कार्य समिति के एक दिन पहले प्रधानमंत्री और प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के संगठन के दोनों के द्वारा सरकार की तारीफ करने से मुझे लगता है कि शिवराज का खूंटा और ज्यादा मजबूत हुआ है जी। खिलावन जी एक तो ये कि 3 साल बाद ये कार्य समिति की बैठक हो रही है और दूसरा वीडी शर्मा जी की जो है वो नई टीम तैयार है और आने वाले उपचुनावों में और नगरीय निकाय चुनावों में 2023 के चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका वीडी शर्मा जी की और उनकी टीम की रहने वाली है, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उनका जो है कहना चाहिए कि किस तरह से वो अपनी टीम को क्या संदेश देते हैं और किस तरह से जवाबदारी को निभाते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्या कहेंगे? जी जी 3 साल नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा 42 महीने अर्थात 3.5 साल बाद भाजपा की कार्य समिति की बैठक हो रही है लंबे अर्थ के बाद। पूरा एक तो चुनाव का समय निकल गया, फिर लोकसभा चुनाव का समय निकल गया, पहले विधानसभा फिर लोकसभा, उसके बाद कांग्रेस की सरकार जो थी 15 महीने का वो समय निकल गया, फिर एक साल कोविड के दौरान जो शिवराज की 1.25 साल की सरकार हो गई ये निकल गया, उसके बाद कार्य समिति की बैठक हुई है। पिछले जो पार्टी के अध्यक्ष थे राकेश सिंह, उनके कार्यकाल में तो एक भी कार्य समिति की बैठक नहीं हो पाई। उससे पहले नंद कुमार चौहान जी थे तब एक कार्य समिति की 2 बैठक उस समय हुई थी। तो मुझे लगता है कि लंबे समय से कार्य समिति की बैठक हो रही है और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है, नई कार्य समिति गठित हुई है जिसमें लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो नए हैं, 30% लोग ऐसे हैं जो पहली बार भाजपा के मुख्य धारा से जुड़े हैं, जो सिंधिया के साथ आए हुए हैं, कांग्रेस से अलग होकर भाजपा में शामिल हुए, ऐसे 30% लोग कार्य समिति के सदस्य हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 60% लोग हैं उनके लिए नई चीज हो सकती है, उनके लिए पार्टी की रीति नीति किस तरह से होगी, किस तरह से उनकी योजनाएं होगी भविष्य में आने वाले चुनाव को लेकर के, जो 23 में चुनाव है उससे पहले उपचुनाव को लेकर भी रणनीति तय की जाएगी या की गई होगी तो बाहर नहीं निकली है बात अभी। तो मुझे लगता है कि इन सब दृष्टि से और तीसरी लहर की बात भी लंबे समय से हो रही है, वैज्ञानिकों ने कह दिया, विशेषज्ञों ने कह दिया कि
तीसरी लहर आएगी इसके लिए बहुत तैयारियां करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भाजपा का सेवा से संकल्प का जो जो नारा है उसे उसे सार्थक करते हुए मुझे लगता है इस बात पर की चर्चा हुई है कार्य समिति में, ऐसा सुनिश्चित किया जा सकता है। लेकिन आपने ठीक कहा कि 23 के चुनाव को लेकर के भी बड़ा दायित्व तो भाजपा को सरकार को बचा के रखने का है, तो मुझे लगता है इस पर भी गंभीर चर्चा हुई होगी और हुई है, क्योंकि हर कार्य समिति की बैठक में इस तरह के आगामी चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है होती है। तो मुझे लगता है कि अब जुम्मे लगभग 2 साल ही तो बचे हैं, 2 साल बाद तो चुनाव ही हो जाएंगे जी। या चुनाव की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तो